हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग रैपअप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कैसा रिस्पांस रहा जो दो आईपीओ चल रहे हैं अभी? फर्स्टली अगर हम बात करें जूनिपर होटल की, तो अभी तक जो रिस्पांस है वो काफ़ी टेपिड है। सेकेंड डे है आज जो एंड हुआ है, और आईपीओ को तकरीबन 20% के आसपास ही सब्सक्रिप्शन मिली है। अभी तक ये फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। सेकेंड आईपीओ जो जीपीटी हेल्थ केयर है, उसके आईपीओ का आज फर्स्ट डे है जो सब्सक्रिप्शन का, 36% सब्सक्राइब हुआ है। तो जीपीटी हेल्थ केयर जो है वो बेटर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके बाद अगर हम देखें तो एक्जीकॉम टेलीसिस्टम का आईपीओ भी ओपन होने वाला है ऑन 27 फेब। एक्जीकॉम का जो बिज़नेस है वो काफ़ी यूनिक है। इंडिया की फर्स्ट ईवी चार्जिंग कंपनी होगी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी। तकरीबन 429 करोड़ जो है कंपनी रेस करना चाहती है, जिसमें 329 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। सो बेसिकली वो कंपनी को पैसे आएंगे। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली न्यू प्लांट सेटअप का है, डेट रिडक्शन के भी ऑब्जेक्टिव के साथ ये आ रही है कंपनी। इसके अलावा अगर हम देखें तो दो क्रिटिकल बिजनेसेस हैं, पावर सॉल्यूशंस एंड ईवी चार्जिंग इस कंपनी के। तो काफ़ी यूनिक कंपनी है। ऑब्वियसली 27 को ये ओपन होगा, 26 को एंकर बुक से का रिस्पॉन्स हमें पता लगेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो पास्ट के फ्यू डेज़ में जिस तरीके से HFCL के स्टॉक्स में रैली हुई है, उसके भी रीजंस थे। कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर में HFCL जो है वो 7.7% होल्ड करता है, उसी का इम्पैक्ट है जो हमने पास्ट में HFCL के शेयर प्राइस के मूवमेंट में देखा। आज अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो काफ़ी वोलेटाइल डे था आज के दिन। मार्केट जिस तरीके से लोअर ओपन हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं जिस तरीके से मार्केट जो है अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई आज फिर से मार्केट ने हिट किया। तकरीबन 22252 का लेवल जो है वो मार्केट ने आज हिट किया है। ये कंटिन्यूस फोर्थ डे है जहाँ न्यू हाईज मार्केट हिट कर रही है, और आज फर्स्ट डे है जब मार्केट 22200 के ऊपर क्लोज हुई है। ऑब्वियसली इसके अंदर में आज जो सपोर्ट मिला है उनको निफ्टी आईटी से मिला है। निफ्टी आईटी आज की बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रही है। कल जिस तरीके से हमने निफ्टी आईटी के अंदर में फॉल देखा था, वो कहीं ना कहीं एनवीडिया का के रिजल्ट्स को लेकर जिटरनेस था। उसके अलावा अगर हम देखें तो फेड के माइन्यूट्स भी आने थे, उसको लेकर जिटरनेस था। तो वो आज सगफ करके निफ्टी आईटी जो है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मार्केट को फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई को हिट करने में हेल्प करी। इसके अलावा निफ्टी मेटल्स भी आज के टॉप परफॉर्मेंस में से था। वहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1% प्लस का जो है मूवमेंट्स रहा। इसके अलावा निफ्टी ऑटो, निफ्टी CPSE, निफ्टी मीडिया आज के टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्सेज में रहे। आज की अगर हम बात करें जिस इंडाइसेस की, जहाँ पे कंटिन्यूस वीकनेस बनी हुई है ड्यू टू द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ दैट इंडेक्स एंड दैट इज़ बीन अंडर प्रेशर, HDFC बैंक। सो आज HDFC बैंक में जो फॉल थी वो कंटिन्यूड हुई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है आज की अकेली ऐसी इंडाइसेस थी जिसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। तो आज की अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्लो की बात करें तो FII आज भी नेट सेलर रहे। तकरीबन 1400 करोड़ प्लस का उन्होंने सेल किया है, और DII जो है वो नेट बायर रहे, 1800 प्लस का बाई किया उन्होंने। तो ऑब्वियसली नेट फ्लो पॉजिटिव था, बट FII की जो कंटिन्यूस सेलिंग है वो हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग एंड IT इंडेक्स के अंदर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं FII की, FPIs की। सो बैंकिंग के अंदर जो कंटिन्यूस वीकनेस है उसी का असर है कि हम ये देख रहे हैं कंटिन्यूस FII की सेलिंग चलती चली जा रही है। इसके अलावा अगर हम सेक्टोरली बात करें, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आज स्पेस सेक्टर जो है वो काफ़ी फोकस में रहा, बिकॉज गवर्नमेंट ने वहाँ FDIs जो है वो 100% अलाउ कर दिया स्पेस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग में। तो उस सेक्टर की वजह से आज डिफेंस के कई स्टॉक्स के अंदर में भी काफ़ी मूवमेंट्स रहा, कई स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे गेंस दिए। इसके अलावा अगर हम आज देखें तो टेलीकॉम सब्सक्राइबर का भी डेटा आया, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का डेटा जो है उसकी बात करें तो रिलायंस जियो ने और एयरटेल ने वहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, जबकि वोडाफोन ने सब्सक्राइबर को लूज़ किया है। अब जैसे हम वोडाफोन की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस सब्सक्राइबर लूज़ कर रहे हैं, तो वोडाफोन ने फंड रेजिंग के लिए भी अपनी बोर्ड मीटिंग रखी है 27 फेब को। बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगी टू रेज द फंड्स। इसके अलावा अगर हम फंड रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फेब 29 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी बोर्ड मीटिंग है जहां वो फंड रेजिंग की बात करेंगे। और कंटिन्यूसली हम जिस तरीके से ब्लॉक डील्स की बात करें, एक्सचेंज पे एवरीडे कोई ब्लॉक डील होती है। टुडेज जो है आज का दिन जो था वो यूरेका फोर्ब्स के लिए था,
तो 9.3% इक्विटी ने हैंड चेंज किया एट द रेट ऑफ 544 पर शेयर। अगर हम पूरे वैल्यू की बात करें तो रफली 975 करोड़ का ये डील था। तो कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो पास्ट फ्यू डेज से काफ़ी लार्ज डील्स हो रहे हैं कंपनीज़ के अंदर में। अगर हम पॉलिसी के फ्रंट पे बात करें तो आरबीआई ने आज अपना मीटिंग मैन्यूट्स भी रिलीज़ किया। ऑब्वियसली उस मीटिंग मैन्यूट्स में इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर काफ़ी बातें हुई। ऑब्वियसली जिस तरीके से आउटलुक है उस आउटलुक को लेकर बातें हुई। इंटरेस्ट रेट को लेकर जो मानना है आरबीआई जो एमपीसी है उनका मानना है कि जब तक इन्फ्लेशन जो है अपने टारगेट रेंज 4% के पास रह के वहाँ पे कंसिस्टेंटली उस जोन में नहीं रहता तब तक अपनी स्टांस चेंज करने को लेकर भी थोड़ी डाउट है। हालांकि इकोनॉमी की हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स जो नवंबर दिसंबर में थी उसमें काफ़ी सॉफ्टनिंग देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी थोड़ा म्यूटेड रहा है। इसकी चर्चा भी हुई एमपीसी के अंदर में। अगर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियसली एनवीडिया के शेयर्स काफ़ी लाइमलाइट में रहे। कल रात को उनका जो है वो अपने रिजल्ट्स भी और फोरकास्ट को लेके भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रांग फोरकास्ट दिया है। ग्रोथ को लेके जो उनका फोरकास्ट है ऑब्वियसली जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं बेटर उनका फोरकास्ट है। और यही रीज़न रहा कि आफ्टर मार्केट एनवीडिया के शेयर्स जो है वो 6% अप थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस फेड का मीटिंग मैन्यूट्स भी आया। उस मीटिंग मैन्यूट्स के अंदर में जो एफओएमसी है उनका मानना है कि रेट कट करने के अंदर में जल्दी करना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। सो रेट्स जो है उस कट को लेके थोड़ा डिले हो सकता है। सो आज की हमारी मार्केट रैपअप के अंदर में इन्हीं सारी चीज़ों को समराइज़ किया है हमने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.